सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा 11 फरवरी 2020 ट्यूजडे को, जो कि तीसरा ओडीआई मैच होने वाला है। काफी रोमांचक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए, जहां पर न्यूजीलैंड के टीम के लिए अब ये काफी बढ़िया सुनहरा मौका है व्हाइट वॉश करने का तीसरे ओडीआई मैच जीतकर। तो वहीं भारतीय टीम तीसरे ओडीआई मैच में अपनी लाज बताने की लाजिश उतरने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज हार चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में 2-0 की बढ़त पर है और अब यहां पर तीसरे ओडीआई मैच के लिए दोनों ही टीमों से जुड़ी है बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर 5 बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो पूरी विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, उन 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच इस टाइम पर खेली जा रही है 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, जहां पर स्टार्टिंग के 2 ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करके स्टार्टिंग के दोनों ही ओडीआई मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली है और यह सीरीज भी जीत चुकी है। अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा 11 फरवरी 2020 ट्यूजडे को, जो कि यह मैच माउंट माउंगनी के बे ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच भी सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7:30 AM से यह मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जो तीसरे ओडीआई मैच से पहले निकलकर सामने आ रही हैं, तो गाइस यहां पर पहली खबर निकलकर सामने आ रही है न्यूजीलैंड के खेमे से। जैसा कि आप सभी को पता है कि दूसरे ओडीआई मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम से इस सोदी और ब्लेयर टिकनर, इन दोनों ही खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया था, इन दोनों ही खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया था और इन्हें भेज दिया गया था न्यूजीलैंड ए की तरफ से खेलने के लिए इंडिया ए के खिलाफ, और अब वो मैच खत्म हो गया, जिसके चलते अब यहां पर ब्लेयर टिकनर और इस सोदी, इन दोनों ही जबरदस्त गेंदबाजों को टीम में शामिल कर लिया गया है दोबारा तीसरे ओडीआई मैच के लिए। ये दोनों ही खिलाड़ी टीम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं तीसरे ओडीआई मैच के लिए। अब अगर हम बात करें यहां पर दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो गाइस दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि ये भी आ रही है न्यूजीलैंड के खेमे से, जहां पर न्यूजीलैंड के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जो कि उनके कप्तान केन विलियमसन, जहां पर इससे पहले शोल्डर इंजरी के चलते पहले और दूसरे ओडीआई मैच से बाहर हो गए थे, नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब यहां पर फाइनली जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इसकी ऑफिशियल घोषणा कर दी है कि वो अब फिट हो चुके हैं और तीसरे ओडीआई मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खबर है न्यूजीलैंड के लिए, खास तौर पर ऐसे में जहां पर पहले और दूसरे ओडीआई मैच में टॉम बिलेंडर को खेला गया था केन विलियमसन की जगह पर, लेकिन अब केन विलियमसन खेलने वाले हैं तीसरे ओडीआई मैच में, टॉम बिलेंडर को बाहर किया जाएगा और साथ ही केन विलियमसन कप्तानी करेंगे, जहां पर पहले और दूसरे ओडीआई मैच में टॉम लेथम कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर केन विलियमसन ही करने वाले हैं कप्तानी की भी जिम्मेदारी। अब अगर हम बात करें यहां पर तीसरी बड़ी खबर के बारे में, तो गाइस तीसरी खबर निकलकर सामने आ रही है टीम इंडिया को लेकर, जहां पर भारतीय फैंस के लिए थोड़ी अच्छी खबर यह आ रही है कि टीम इंडिया का मैदान पर काफी शानदार रिकॉर्ड रहा है, जहां पर तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा माउंट माउंगनी के बे ओवल स्टेडियम में और इस मैदान पर अब तक टोटल सिर्फ 9 ही ओडीआई मैच खेले गए हैं, जहां पर टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में 2 ओडीआई मैच खेले हैं, लेकिन 2 के दोनों ही ओडीआई मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि 5वां टी20 मैच भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच इसी मैदान पर खेला गया था और टीम इंडिया को वहां पर भी जीत मिली थी। ऐसे में इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है और इस मैदान पर टीम इंडिया बल्लेबाज काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और यह मैदान भी हाई स्कोरिंग पिच के लिए जाना जाता है। ऐसे में तीसरा ओडीआई मैच हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर तो चौथी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है टीम इंडिया के खेमे से, जहां पर टीम इंडिया में 2 बदलाव संभव है तीसरे ओडीआई मैच में। पहली चेंजेस ये कि केदार जाधव की जगह पर इस मैच में मनीष पांडे को मौका मिल सकता है, तो वहीं दूसरी चेंजेस ये कि जसप्रीत बुमराह की जगह पर इस मैच में मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है, जहां पर मोहम्मद शमी को दूसरे ओडीआई मैच में नहीं खिलाया गया था इस वजह से कि इन पर ज्यादा वर्कलोड ना हो, क्योंकि मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा है, टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं आपको बता कि जसप्रीत बुमराह भी भारतीय टीम का हिस्सा है टेस्ट सीरीज के लिए, ऐसे में बुमराह पर भी ज्यादा वर्कलोड ना हो इस वजह से जसप्रीत बुमराह को तीसरे ओडीआई मैच में आराम देकर जो कि मोहम्मद शमी को उनकी जगह पर मौका मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पांचवी खबर के बारे में, तो पांचवी खबर निकलकर सामने आ रही है न्यूजीलैंड के खेमे से, जहां पर उनके बेहतरीन तेज गेंदबाज स्कॉट कोगली ये तीसरे ओडीआई मैच से बाहर हो चुके हैं, जो कि इन्हें वायरल फीवर हो गया है। तो गाइस यदि 5 बड़ी खबरें जो तीसरे ओडीआई मैच से पहले निकलकर सामने आ रही है, गाइस आपके हिसाब से तीसरा ओडीआई मैच कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया जीतेगी या फिर जीतेगी न्यूजीलैंड की टीम, कमेंट करके अपना राय अपने विचार जरूर दें।